और अब बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। झारखंड वासियों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। उच्च पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रहे हिमपात और ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजधानी रांची के कांके इलाके में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में है। हाड़ कपाने वाली ठंड के कारण सामान्य गतिविधियां बाधित हुई हैं। कई इलाकों में घना कोहरा छाने से यातायात पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। ठंड बढ़ रही है और काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है, क्योंकि पर्वतीय इलाके जो हैं वहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। प्रभात, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी रांची में तो देखिए कांके में पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मैकलुस्कीगंज की भी हालत कमोबेश वही है। लोह नगरी की क्या, वहां पर क्या स्थिति, अगर जमशेदपुर की हम बात करें तो वहां पर क्या ठंड वैसी ही देखने को मिल रही है जैसे बाकी जिलों में है रांची के आसपास? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि ठंड का कहर जमशेदपुर या पूरे कोल्हान में भी देखा जा रहा है, और उसी तरह का ठंड पड़ रहा है जैसे आपने कहा कांके या फिर मैकलुस्कीगंज या फिर रांची में, जो तो तापमान लगातार नीचे चला जा रहा है और धीरे धीरे कोल्हान का भी तापमान नीचे जा रहा है। निश्चित है जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से पूरे झारखंड शीतलहर की चपेट में और लगातार जो ठंडी हवाएं चल रही है, हालांकि आज सुबह से थोड़ी ठंडी हवा कम हुई है और थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा है। हालांकि हम कह सकते हैं कल का अगर टेम्परेचर की बात करें तो 6.8 था और आज 7 है, और ठंड से एक व्यक्ति की बागबेड़ा के जो ओम प्रकाश है उनकी मौत भी हो गई है, जो पुलिस ने पुष्टि की कि ठंड लगने से व्यक्ति की मौत है। तो समझा जा सकता है कि ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड गिरने से सबसे ज्यादा तकलीफ होता है उन लोगों को जो डेली रोजगार करते हैं, जो डेली वेंडर वाले हैं, जो ठेलों पे अपने सामान बेचकर अपने रोजगार चलाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बताएं आरती की जो कुहासा के चलते की वजह से कई जो ट्रेनें हैं जो दिल्ली की ओर जाती है उसे वो लेट से चल रही है, कई से ट्रेन जो है फॉग की वजह से रद्द भी कर दिए गए हैं। तो लगातार ठंड का जो कहर देखा जा रहा है पूरे कोल्हान में। अगर शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा तो टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे वो घाटशिला, भैरागोड़ा, पोटका, सुंदरनगर, इन क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा रहता है क्योंकि खुला जगह और मैदानी इलाका है, तो उसकी वजह से ठंड काफ़ी है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार रात में जो फुटपाथ में सोते हैं लोग हैं उन लोगों को रेस्क्यू करके आश्रय घर ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो जो अलाव की व्यवस्था, तीनों निकाय को उपायुक्त के आदेश के बाद तीनों निकाय को आदेश दिया जाए कि लगातार अलाव जलाते रहना है। जो चौक चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है उसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो डॉक्टरों की सलाह है कि भाई आप कम से कम घर से अगर निकलते हैं तो पूरी तरह अपने आप को ढक लें। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं भी अपने आप पूरी तरह का ढका, ठंड लगने के बाद बहुत सारी दिक्कत हुआ। ठंड में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को ये हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है, या जिसका ब्लड प्रेशर है उनको भी हार्ट अटैक आने जाता है। इसलिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग है जो 60 साल से ऊपर है उन लोगों को जब तक पूरी तरह धूप नहीं निकल जाता तब तक घर से नहीं निकलने दिया जाए, छोटे बच्चों को घर से नहीं निकलने दिया जाए। ये सारी कवायद लगातार जिला प्रशासन डॉक्टर्स लोगों को सलाह दे रहे हैं, और ठंड से बचने का एक ही उपाय है कि अब अपने आप को पूरी तरह से गर्म कपड़ा से ढक ले। आप मेरे पीछे अगर देख रहे होंगे जो लोग आवाजाही कर रहे हैं आरती, मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे भी लोग खड़े हैं। लगातार जो ठंड बढ़ रहा है उसकी वजह से कान में मफलर, टोपी, अपने आप को पूरी तरीके से जैकेट से जो गर्म कपड़े हैं वो पहने हुए हैं। तो हम ये कहें कि कोल्हान में भी असर वही देखा जा रहा है, कमोबेश वही देखने को मिल रहा है। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं। जरा धनबाद का हाल ले ले, क्या है दिलीप, वहां पर कैसी ठंड और क्या कुछ तैयारियां उनके लिए जो सड़क के किनारे रह रहे हैं, जो फुटपाथ पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? यहाँ भी तापमान में लगातार गिरावट हो रहा है, और थोड़ी सी राहत देने वाली बात यह है कि धूप निकल रही है। धूप निकलना बंद होगा तो जाहिर सी बात है ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा, और जो आम लोग हैं जो रैन बसेरों में रात गुजारते हैं, रिक्शा चालक हैं,
जो दिहाड़ी मजदूर है, बाहर से दिन भर मजदूरी करते हैं और रात में कहीं ना कहीं वो अपना ठिकाना ढूंढते हैं, उन लोगों के लिए काफी परेशानी भरा रात बीत रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कई उपाय किए जा रहे हैं, जो रैन बसेरे हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है और कहीं कहीं पे कम्बल वितरण किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी दिख रहे हैं। ऐसे में और पहल करने की जरूरत है और जो समाज सेवी संगठन है उनको भी आगे आने की जरूरत है, क्योंकि जिला प्रशासन के लिए इतना कुछ करना संभव नहीं होता है। धनबाद बहुत बड़ी आबादी वाला जिला है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिलती है, उनकी पकड़ वहाँ पे नहीं के बराबर होती है, तो उन इलाकों में भी जाकर के देखने की जरूरत है और लोगों के बीच कंबल वितरण करने की जरूरत है, अलाव जलाने की व्यवस्था करने की जरूरत है, क्योंकि रात शाम जैसे ही ढलते हैं जहाँ तहाँ जैसे तैसे लोग जिनको जरूरतमंद है वो ठंड में ठिठुरते हुए दिखते हैं और उन्हें मदद पहुँचाने की जरूरत है। फिलहाल जिला प्रशासन के पास जितने भी विकल्प हैं उनका वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ठंड जो यहाँ पे लगातार बढ़ रही है इससे लोगों को परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल परेशानी हो रही है और वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और चलिए अब देवघर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ भी जुड़ चुके हैं। अमरनाथ, वहां पर क्या हाल? रांची का तो हाल बेहाल है, ठंड लगातार बढ़ रही है, राजधानी में लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन देवघर में क्या टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है या फिर और वहां भी असर देखने को मिल रहा है अभी? जी मैं आपको बताऊं कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड को लेकर के आज लोगों ने थोड़ी राहत जरूर महसूस ली है। कारण यह है कि जो पश्चिम के दिशा से आने वाली जो सर्द हवाएं हैं आज उसमें कमी देखी जा रही है और इस कारण से मौसम के जो यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा भी बताया गया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर कुछ जो ठंड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी जरूर राहत मिलने की संभावना है। मैं आपको बताऊं कि साथ साथ यहाँ पर जो जिला प्रशासन के द्वारा जो अलाव की जो व्यवस्था की जा रही है उसको लेकर के लगातार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं लगातार उनके द्वारा विरोध जताया जा रहा है कि महज वहाँ पर 3-4 लकड़ियाँ वहाँ पर दे दी जाती है और वह भी कच्ची लकड़ियाँ होती हैं, जिस कारण से लोगों को वहाँ पर जिस ढंग से कहें कि उनको अलाव जलाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जी आरती जी, अमरनाथ लोगों को यहाँ दिक्कतें हो रही हैं। प्रभात, देखिए लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आपने सुना धनबाद में भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कड़ाके की ठंड है ऐसे में उनके लिए जो जिनके सिर पर छत नहीं है उनके लिए ये बहुत जरूरी होगा। आप जमशेदपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग गुजर बसर कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें हो रही होंगी सड़क किनारे रहने, क्या वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए? बिल्कुल आरती, देखिए जो शहरी क्षेत्र में जो फुटपाथ में लोग सो रहे हैं उनको मैं पहले भी बताया कि लगातार जो तीनों निकाय है, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी बोले या फिर जुगसलाई नगर परिषद बोले या मानगो नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार रात के वक्त निकलते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं लोग उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करके आश्रय गृह जो बनाया गया है वहां ले जाकर रात भर रखते हैं और जो खाने पीने के गर्म चीज है या फिर कंबल है वो वितरित किया जाए। रही बात जो ग्रामीण क्षेत्र है जो शहर से थोड़ा अलग हटकर है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उन जगहों पर आपने सही कहा कि झुग्गू झोपड़ी रहने वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि झुग्गू झोपड़ी में ज़्यादा ठंड लगता है। हालांकि प्रशासन की ओर से उन लोगों को भी व्यवस्थित की जा रही है, जो कंबल का वितरण किया जा रहा है, लगातार जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें लगातार हर कार्यक्रमों में कंबल का वितरण किया जा रहा है ताकि इस ठंड से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके और वैसे लोगों को तक पहुँचा जा सके जिसके पास में कंबल नहीं है या फिर रहने की तकलीफ है या झोपड़ी हो नमा घर में रहते या प्लास्टिक ढाक के रहते वैसे लोगों को रेस्क्यू करके जो पास के जो सामुदायिक भवन है वहां शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इस कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि अब तक अगर हम कहें 4-5 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन उस तरीके की स्थिति नहीं हुई जो पिछले बार स्थिति हुई थी ठंड की वजह से, लेकिन इस बार अगर हम कहें तो पहली मौत बागबेड़ा के रहने वाले ओम प्रकाश की ठंड से हुई, जो पुलिस ने इसकी पुष्टि की कि ठंड लगने से उसकी मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने आप को गर्म कपड़े से ढक के रखने की ज़रूरत ताकि इस ठंड से आप बच सके। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो ठंड का मज़ा लेने के लिए सुबह के वक्त चाय की दुकान पर पहुँच रहे, चाय की चुस्की के साथ मज़ा भी ले रहे या बिल्कुल ये सुबह का और शाम का नजारा अब थोड़ा सा कुछ ऐसा ही हर जगह नजर आ रहा है। दिलीप, वहां भी ऐसे चौरस्ते पर चौपाटियों पर ये नजारा अब आम हो क्या होगा क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है और अब अलाव की व्यवस्था अगर जगह जगह की जा रही है तो ये नजारा अब आम है। इलाकों
जगहों को और वैसे जगहों को चिन्हित करने की जरूरत है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से जो भी उपाय किए जा रहे हैं वो नाकाफी है। कुछ कुछ जगहों को चिन्हित करके अलाव की व्यवस्था किए जाते हैं और कुछ लोगों के बीच कंबल बांटे जाते हैं, लेकिन कई ऐसे जरूरतमंद हैं जिनकी रात ठंड के कारण अच्छे से नहीं बीत रही है, वो काफी परेशान है। बाहर से धनबाद में कई लोग मजदूरी करने आते हैं और रात में जाना संभव उनके लिए नहीं होता है, तो यहीं पे वो रैन बसेरों पे या फिर सड़क किनारे या फिर दुकान का जो शटर होता है उस जगह पे वो रात बिताते हैं, तो उनकी रात बमुश्किल बीतती है। तो उन जगहों पे भी अलाव जलाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिला प्रशासन को और वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी राशि सरकार की तरफ से निर्धारित की गई कि ठंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने के लिए। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल अमरनाथ, उस समय बहुत कम है हमारे पास, वहां पर अगर अलाव की व्यवस्था की गई है तो क्या कंबल वितरण भी टाइम टू टाइम वहां पर लोगों के बीच किया गया है जिन्हें जरूरत है, दरकार है इसकी? जी आरती, है मैं आपको बताऊं कि कंबल की जरूर व्यवस्था की जा रही है स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी, और जो यहाँ के जो समाज सेवी हैं उन लोग के द्वारा भी कंबल वितरण किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कंबल क्या वाकई सही लोगों तक पहुँच रहा है? जी, सबसे जी। बड़ा सवाल यही है, कंबल जरूर बांटा जा रहा है या फिर हम कहें कि जो प्रशासन के द्वारा जो कंबल वितरण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक व्यापक उसकी एक जांच होनी चाहिए कि आखिर जो जिन लोगों के बीच बांटा जा रहा है कहीं वे लोग ऐसे। बिल्कुल, चलिए ये अलग विषय हो जाएगा अब कि ठंड के बहाने जो कंबल वितरण जो असाइन किए जाते हैं कि कंबल वितरण किया जाएगा गरीबों के बीच, तो क्या वाकई गरीबों तक वो कंबल पहुंच रहे हैं, क्या वो ठिठुरन से बच रहे हैं, इन सब बातों पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका, दिलीप आपका और प्रभात आपका भी। तो सर्दी का सितम जारी है, बर्फीली हवाओं ने जीना मुहाल कर रखा है, झारखंड में भी इसका असर देखा जा रहा है। जरूरत है कि ऐसे लोग जिनके सिर पर छत नहीं उनकी मदद की जाए, प्रशासन कर रहा है, अगर आपसे बन पड़े तो आप भी करिए। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।